over 50 years ago. मैं FC कॉलेज में सेकंड ईयर स्टूडेंट था and I first went to China and I have seen the China of Chairman Mao and Chou Enlai. It was backward, it was isolated, it was poor. मैंने वो चीन देखा हुआ है, रबड़ के सैंडल पहनते थे, वो सब साइकिलों में थे, खाली सड़कें होती थी. एक गाड़ी मुझे दी थी एक ड्राइवर के साथ, उसकी गाड़ी का नाम था रेड फ्लैग. उनका अपना लोकल मॉडल था और एक फाइव स्टार तो नहीं कहूंगा, फोर स्टार होटल था, पीकिंग होटल आज भी है, अब फाइव स्टार हो गया. तो वो उस वक्त था, बट दे वर पुअर बट प्राउड. अब चाइना ने तरक्की की, कैसे तरक्की की, दे नीड अ कोर्स करेक्शन. जब चेयरमैन माओ की डेथ हुई 1976 में, एक नया लीडर आया डंग शाओपिंग. उसने कहा इट डज नॉट मैटर वेदर अ कैट इज ब्लैक और व्हाइट एज लॉन्ग इट स्कैचेस माइस, लेट अस बी लॉयल टू द ऑब्जेक्टिव, चेंज करो कोर्स. चीनी आवाम को खोल दिया, मार्केट इकोनॉमी डेवलप करो. और उसने कहा गेटिंग रिच इज ग्लोरियस, पैसा बनाओ. तो उन्होंने जो तरक्की की है, बट दे रोज पीसफुली. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेलेक्ट किए स्टूडेंट्स